तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा का आया तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की कर डाली भारी पिटाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने बल्ले के दम पर ठोक डाले चौके छक्के। इस पारी को देखकर क्रिकेट का कोच भी हुआ हैरान। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले की भारतीय टीम की पारी की पूरी हाईलाइट। और मैं इस वीडियो में आपको एक सवाल भी पूछने वाला हूँ जिसका जवाब सिर्फ क्रिकेट के लवर और क्रिकेट की वीडियो देखने वाले ही बता सकते हैं। तो ये सवाल मैं आपको वीडियो के अंत में पूछूंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और केएल राहुल और रोहित शर्मा में से दूसरे टेस्ट मुकाबले में किसको कप्तान बनाया जाना चाहिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर आप लोग भी मेरी तरह क्रिकेट की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको मिल सके क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हाँ तो बिना देरी के स्टार्ट करते भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले की हाईलाइट। तो हम सबसे पहले बात करते भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि केएल राहुल ने जो पारी खेली है वो पारी शायद उनको कप्तान होने के नाते ऐसी पारी नहीं खेलनी चाहिए थी। हाँ तो दोस्तों हम केएल राहुल के इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। केएल राहुल ने इस मुकाबले में लगभग 54 गेंदें खेली जिसमें केएल राहुल ने 3 चौके ठोकते हुए 22 रनों की पारी खेली और खालिद अहमद की बॉल पर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। अब भारतीय टीम के दूसरे विकेट की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में लगभग 40 गेंदें खेली जिसमें गिल ने 3 चौके ठोके और 20 रन बनाते हुए मैदान से बाहर हो गए। इसके बाद नंबर आता है भारतीय टीम के ओपनर चेतेश्वर पुजारा जो भारतीय टीम के एक बहुत ही घातक बल्लेबाज भी है। पुजारा ने इस मैच में लगभग 203 गेंदें खेली जिसमें पुजारा ने 11 चौके ठोकते हुए 90 रन बनाकर तेजुल इस्लाम की गेंद पर बॉल्ड होकर मैदान से बाहर हो गए। इसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने इस मैच में कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं दिखाया और वो यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखा नहीं पाए। इस मुकाबले में कोहली ने लगभग 5 गेंदें खेली जिसमें 1 रन बनाते हुए मैदान से बाहर हो गए। अगले नंबर पर आते हैं ऋषभ पंत जो कि एक विकेट कीपर है। इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने भी अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन अर्धशतक ठोकने से रह गए। अगर हम इस मुकाबले में ऋषभ पंत के स्कोर की बात करें तो इन्होंने इस मुकाबले में लगभग 45 गेंदें खेली जिसमें पंत 40 रन बनाते हुए मेहंदी हसन की बॉल पर आउट होते हुए मैदान से बाहर हो गए। अगला नंबर आता है मैच के मैन ऑफ द मैच के बारे में। तो मैच के मैन ऑफ द मैच कहे जा सकते हैं श्रेयस अय्यर। अय्यर ने इस मुकाबले में लगभग 192 गेंदें खेली जिसमें अय्यर ने 10 चौके ठोकते हुए 86 रनों की पारी खेली और इबादत हुसैन की बॉल पर आउट होते हुए मैदान से बाहर हो गए। उसके बाद नंबर आता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में लगभग 26 गेंदें खेली जिसमें अक्षर ने 2 चौके और 14 रन बनाते हुए मेहंदी हसन की बॉल पर बॉल्ड होते हुए मैदान से बाहर हो गए। उसके बाद टीम में आते हैं रविचंद्र अश्विन। अगर हम अश्विन के इस मुकाबले में स्कोर की बात करें तो अश्विन ने टेस्ट मैच की इस पारी में 113 गेंदें खेली जिसमें अश्विन ने 51.33 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके व 2 छक्कों के साथ 58 रनों की पारी खेली। उसके बाद अश्विन मेहंदी हसन की बॉल पर आउट होते हुए मैदान से बाहर हो गए। उसके बाद टीम में अगले नंबर पर आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में लगभग 114 गेंदें खेली जिसमें यादव ने 5 चौके लगाते हुए 40 रनों की पारी खेली और तेजुल इस्लाम की गेंद पर आउट होते हुए मैदान से बाहर हुए। उमेश यादव और मोहम्मद सिराज इस मैच के अंत तक टिके रहे जिसमें यादव ने 10 गेंदों पर 15 रन बनाए। वहीं सिराज ने इस मुकाबले में लगभग 3 गेंदें खेली और 4 रन बनाते हुए पारी को समाप्त किया। इस प्रकार इस पारी में भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 404 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम को 405 रनों का लक्ष्य मिला।